हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आमवा के पेड़वा देखी कितना नीमन में पचकी फेंके ले बा। आ सब कितना नीमन हरियर आइल बा। आम के गाछ साल भर तो जाके ई मतलब पंखी फेंकले बा साल भर। आ हई सब देखी ना गेंदो के फूलो लो कितना लहलहाइल बा। तो गाइज अभी अभी हम सो के उठे हैं थोड़ी देर पहले और मेरी हालत सुबह इतनी खराब हो गई थी, इतनी खराब हो गई थी कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। आज मीठू को भी उसके पापा ने तैयार करके स्कूल भेजा, बाल बनाए, सब कुछ किया क्योंकि सुबह मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था। इसलिए आज मेरा सोना मुन्ना स्कूल नहीं गए हैं। आप स्कूल नहीं गए ना? क्यों? ऐसे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। इसकी भी तबीयत ख़राब है, आज कितने दिनों से दवाई खा रहा है फिर भी। और मैं सुबह बिल्कुल ही नहीं कुछ कर पा रही थी, बिल्कुल ही नहीं। तो अभी थोड़ी देर अब जा रही हूँ नहाने धोने। मेरी जो छोटी वाली देवरानी है उन्होंने खाना उना बनाया, सारा कुछ किया सुबह, सब कुछ इसके डैडी ने किया था। मीठू के लिए कपड़े, फिर बाल वाल सब कुछ बनाए थे, फिर उसको स्कूल छोड़ के आया। अब वो भी थोड़ी देर में आएगी, 1 बजे के आसपास। अब मैं जा रही हूँ नहाने धोने, अपना काम करने। थोड़ा नहा लूँगी तो मन फ्रेश हो जाएगा। अजीब सा मन हो रखा है और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, सब कुछ बिखरा पड़ा है, कमरा वमरा सब एकदम क्या। तब तक मम्मी राशन लेके आ गई थी, तो फिर हम लोग मिलके तीनों आदमी, मम्मी थी, छोटी वाली देवरानी थी, मैं थी, तीनों आदमी मिलके राशन सड़ियाने लगे। हमने बोला कि चलो जब राशन आ ही गया, तो मम्मी बोली कल रखेंगे, फिर मैंने बोला नहीं आज ही रख लेते हैं। फिर मम्मी ऊपर चढ़ के देखने लगी कि क्या क्या कहाँ रखना है, और कुछ ऊपर सर सफाई भी करना था। तो राशन आता है तो मम्मी हमारे साथ मिल के राशन रखवा देती हैं, तो वही सर सफाई कर रहे थे और मैं यहाँ सारी चीज़ें निकाल के रख दी थी उनके डब्बों में, अभी ही रख के रख देंगे, बाद का काम बाद में ही हो जाता है। तो फिर हमने सारे डब्बे भी इकट्ठे कर लिए और सब कुछ रखने लगे। तब तक मुझे याद आया कि मम्मी ने स्लिप तो दिया ही नहीं। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि स्लिप कहाँ है, तो फिर मम्मी ने बोला कि है मेरे पास ही है, पहले स्लिप ले लो, सब कुछ स्लिप से मिला लो कि क्या क्या सामान हमने मंगवाई थी, तब फिर रखना। तो फिर मम्मी ने मुझे स्लिप दिया क्योंकि स्लिप मम्मी के पास ही था, तो मम्मी ने स्लिप फेंका ऊपर से कि लो मिला लो। फिर ये तब तक मैं कोलगेट वोलगेट निकाल के एक तरफ करने लगी कि इन्हें रख देते हैं। तो क्या है कि राशन ना 1 महीने का सामान मम्मी एक ही बार ले आके रख देती हैं, कि बार बार मंगाने से अच्छा है कि एक ही बार आ जाता है तो ठीक रहता है, कभी घर पे कोई रहा नहीं रहा, इसलिए को हमने खाना बनाने चल दिया। तो मैं अभी चाय छान रही हूँ, इधर इधर रख रखा है दूध, उधर रख रखे हैं दाल, और सबके लिए चाय बनाई है तो चाय निकाल रही हूँ। छोटी वाली देवरानी नहीं थी, वो कहीं चली गई थी, मैं ही थी, तो मैं किचन में अकेले ही काम कर रही थी, खाना बना रही थी और इन सबके लिए चाय निकाल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपनी 1-2 वीडियो किचन की थी वो शूट किया, और फ़ोन में देख रही थी कि कौन सा रील्स बनाना है, और इधर मैंने भुजिया चढ़ा रखे थे करेले का, और पतिदेव मेरी ब्लॉग शूट कर रहे थे तो वो हंस रहे थे, कह रहे थे फ़ोन ही पहले चला लो तब खाना बनाना। मैंने बोला कि नहीं, वो मैं रील्स देख रही थी किचन में, का 1-2 रील्स था जो कि मैंने रख रखे थे बनाने के लिए, तो वही। तो फिर बोले ठीक है बना लो, तो इधर मैंने दाल बनाए थे उधर ही। देवरानी जेठानी ने मिल के, और वो भी अपना खाना लेके गई, मैं भी खाना ले ली हूँ और नीचे भी भिजवा दिया था, तो मम्मी पापा सब ने खा लिया। तो अब हम जा रहे खाना खाने। तो गाइस इधर हम लोगों का खाना बन के लग भी गया है, देखिए खाने में क्या क्या बना हुआ है। ये पतिदेव ने पनीर की सब्जी लेके आए हैं, इधर लौकी आलू की सब्जी थी,
करेले की भुजिया, दाल रोटी, सब्जी, सलाद, चटनी और ये सब बहुत सारा खाना है। और इधर ये लोग बैठे हैं, इधर इसके पापा बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। मैंने नीचे मम्मी पापा के लिए भी भिजवा दिया है। इधर मीठी भी है, खाना खाने जा रही है। और उधर लक्की मोबाइल देख रहा है। और बज रहे हैं 10, मैं भी थक गई हूँ। और हम अभी नाश्ता कर रहे हैं।